सपने लेने का हक सबको होता है, पर ये जरूरी नहीं कि हर किसी के सपने पूरे हों। छोड़िए रेलवे का चक्कर और दफन कर दे अपने इन सपनों को संदूक में। चल चल बंदिया बंदिया, चल चल बंदिया बंदिया बंदिया, चल चल बंदिया, चल चल बंदिया बंदिया बंदिया। गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। तो देखिए यहाँ पे हम आपकी ये जनरल साइंस की क्लासेस थी आपकी, ये तो मैंने आपको यहाँ पे CDS के लिए हम ये पूरा जनरल साइंस का पूरा पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। और डिफेंस वाले बच्चों के लिए एक न्यूज़ है कि आपका CDS का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। CDS की डेट्स वगैरह जो हैं वो आपकी अनाउंस होने लग रही हैं, तो 2 महीने शायद इसके अप्रॉक्सीमेट हैं आपके पास CDS की तैयारी करने के लिए। तो अब ये जो क्लासेस होंगी वो आपकी CDS फोकस्ड होंगी, और आज शाम को आपका इसका नोटिफिकेशन का एक इवेंट है 6:30 पे, तो आप उसको देखिए, क्योंकि उसमें जो है हम CDS का आपका ये CDS का आगे जो एग्ज़ाम आने वाला है उसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसका पूरा प्लानिंग जो है वो कैसे हम यहाँ पे 60 डेज में करने वाले हैं, तो ये सब कुछ जो है वो 6:30 पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो क्लासेस होंगी वो आपकी काफ़ी ओरिएंटेड होंगी टुवर्ड्स आपके डिफेंस के लिए, CAPF के लिए और CDS के लिए। तो जनरल साइंस वाला कोर्स जो है, एक नॉर्मल जो जनरल साइंस का जो कोर्स है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि हम जो आज के नोटिफिकेशन के बाद प्योरली CDS और CAPF जो है या FCAT का जो एग्ज़ाम है उस पे हम फोकस कर सकें। तो ये आज आपकी ये लास्ट क्लास है। अगर हम बोलेंगे कि एक जनरल टाइप की, तो यहाँ पे कुछ आज की क्लास में आपको आंसर्स देने होंगे। जो क्वेश्चंस आज की क्लास में हम कर रहे हैं वो क्वेश्चंस कुछ होंगे आपके इन्वेंशंस के ऊपर और स्टडीज़ के ऊपर, कि किसका किसने इन्वेंट किया, खोज जो है वो किसने की, और कुछ आपके अध्ययन, जैसे कि नॉर्मल हम बोलते हैं यहाँ पे कि इंस्ट्रूमेंट अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अगर हम बोलते हैं कि मिल्क की प्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे लैक्टोमीटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी आपका वन डे एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं, तो उसी के आधार पे आज आपकी ये क्लास होगी। जो हम 25 क्वेश्चन जो कवर करेंगे वो इसी के कॉन्टेक्स्ट में आज हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है जी। आज ही स्टार्ट करते हैं क्लास, तो क्वेश्चंस के साथ ही सीधा शुरू करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है सब लोग जो यहाँ पे देख रहे हो, आप लोग लाइव देख रहे हो या आप लोग में से कोई भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम आपको ये क्वेश्चन जो है वो थॉरली रटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आपका पहले क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, NDA, CDS और ये CAPF के बेसिस पे आपकी ये क्लास हो रही है, और आज के इवेंट के बाद 6:30 पे जो आज का इवेंट है आपका, उस इवेंट के बाद प्योरली ये क्लासेस जो हैं वो आपकी डिफेंस के हिसाब से चलेंगी। पिछले साल के सभी क्वेश्चन जो हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर वगैरह क्वेश्चन करेंगे। तो स्ट्रेटजी और प्लानिंग जो है वो हम 6:30 बजे आज डिस्कस करेंगे, तो वहीं उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के आप सीधा जो है वो आंसर देना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इन्वेंशन और डिस्कवरी को रिलेटेड है आपके। तो जैसे कि सुबह आपका जो सुबह जो इन्वेंशन और डिस्कवरीज किए थे उसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन है, तो रेलवे वाला जो है उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, CDS के लिए बहुत अच्छे से प्लानिंग कर ली गई है। क्वेश्चंस आप देखिए यहाँ पे, तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को CDS के लिए प्लानिंग पूरी है, जो भी आपके आगे इस डिफेंस के एग्ज़ाम हैं तो बहुत ही ओरिएंटेड क्लास चलेंगी। जिन लोगों को क्रैक करना है वो आप लोग प्लीज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आंसर दीजिए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू सिल्वी कल्चर, इनमें से कौन सा जो है वो सिल्वी कल्चर से संबंधित है। कल्चर ऑफ हिल्सा, जो एक मछली होती है आपकी हिल्सा, उससे रिलेट कर रहा है ये। सिल्वी कार्प की खेती को बोला जाता है, तेल उत्पादन करने वाले पौधों की खेती को बोला जाता है, या फॉरेस्ट क्रॉप वन फसल जो होती है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है।
तो ऐसे कुछ स्टडीज वाले जो क्वेश्चन हैं आपको पूछे जाते हैं, ये आपको बताना है कि सिल्वी कल्चर क्या होता है. आंसर्स देना स्टार्ट करो आप लोग, यहाँ पे आंसर्स देना स्टार्ट करो. टाइम, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, जो भी कुछ है आपकी सीडीएस की 6:30 पे आप देखिएगा, तब हम यहाँ पे करेंगे. रंजन कुमार मुखर्जी, यस, फोर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है. अमृता प्रिया, फोर जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है. फॉरेस्ट क्रॉप जो है, सिल्वी कल्चर जो है, पहला क्वेश्चन जो है आपका सिल्वी कल्चर का, उसका आपका जो आंसर है वो फॉरेस्ट क्रॉप होगा. जो आपकी वन फसल होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सिल्वी कल्चर को. और ये पहला ही क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है आपको, क्योंकि सेरीकल्चर भी होता है, ठीक है, सेरीकल्चर है, सिल्वी कल्चर है, इनको आप कंफ्यूज करते हो और स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा उनकी कंफ्यूजन होती है जो एक जैसे वर्ड्स आपके दिखाई देते हैं. तो इसीलिए पहला क्वेश्चन ये सिलेक्ट किया था. फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे, और मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो आपके गलत आंसर ही दे रहे हैं. तो जो लोग डी आंसर दे रहे हैं, सोनम, सोनम, यस, डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है. सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ, वन करके, टू करके, ताकि आपको बाद में जब आप वीडियो देखते हो या बफरिंग अगर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि आप लोग ने बोला है कमेंट में. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या है आपका, डी, फॉरेस्ट क्रॉप, राइट. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, द मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर द स्लीपलेसनेस. अगर नींद नहीं आती है, अनिंद्रा की बीमारी होती है, तो उसको मेडिकल या चिकित्सावली जो शब्दावली होती है आपकी, उसमें उसको क्या बोला जाता है. सोमनाबेलिज्म, इनसोमनिया, हेल्यूसिनेशन या निक्टिन्यूरिया. अगर नींद नहीं आती है, स्लीपलेसनेस जिसको बोलते हैं, ये एक बीमारी होती है, अगर नींद नहीं आती है काफ़ी टाइम तक, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं आपको बताना है. नींद में चलना, अनिंद्रा, मतिभ्रय या फिर नाइटिन्यूरिया इसको बोला जाता है. इनसोमनिया, यस, अमृता, यस, इनसोमनिया इसको बोला जाता है. देखिए हिंदी में, तो जो लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है, हिंदी में उसी उस डिजीज़ के लिए जो एक्सप्लेनेशन करी हुई है वही वहाँ पे ऑप्शन में आंसर भी दिया हुआ है. बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है. अगला देखिए, द स्टडी ऑफ न्यूली बॉर्न अप टू द एज ऑफ 3 months इज कॉल्ड. नवजात शिशु के जन्म से 3 माह तक की अवधि के अध्ययन को क्या कहते हैं आपको बताना है. कोरोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, निमेटोलॉजी या फिर नियोनेटोनोलॉजी इसको बोलते हैं, नियोनेटोलॉजी. तो सेकंड का आपका जो आंसर है वो इनसोमनिया है, ठीक है, बी ऑप्शन. थ्री का बताइए आप, नवजात शिशु के जन्म से 3 माह तक की जो अवधि होती है उसको क्या बोला जाता है. प्रदीप कुमार, अनिंद्रा पहले का, ठीक है, इसका आप आंसर दीजिए फटाफट से. न्यूली बॉर्न अप टू एज ऑफ 3 months, नवजात शिशु के जन्म से 3 माह तक की अवधि को क्या बोला जाता है आपको बताना. अब यहाँ पे यही कन्फ्यूजन होता है ना निमेटोलॉजी और नियोटोनोलॉजी में, तो नियोनेटोलॉजी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. तो थर्ड का जो है वो आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर है, नियोनेटोलॉजी हम इसको बोलते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है, द स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन के बारे में आपको बताना है कि जो आपके आंतरिक अंग हैं उनके अध्ययन करने को, उनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं आपको बताना है. द स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन इज, आंतरिक अंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए. एंजियोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी या स्प्लैंकोलॉजी. अच्छा, ये बी और सी ऑप्शन आपके रिपीट हो गए हैं, फिर भी आप ए और बी और डी में से ही बता दीजिए. एंजियोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी है, ओके, आर्थ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी या स्प्लैंकोलॉजी क्या बोला जाता है. देखिए विसरल ऑर्गन जो होते हैं इनको तब पढ़ा जाता है जैसे किसी की डेथ अगर जहर खाने से हो जाती है, पॉइजन किसी को दिया गया है या टॉक्सिक पॉइजन उसने खुद कंज्यूम किया है, तो वो जहर उसने कितना देर पहले कंज्यूम किया था और कितनी मात्रा में वो उसके शरीर में पहुंच चुका है उसके आधार पे हम इसको
बोलते हैं, जैसे कि आपका ये विसरल ऑर्गन की स्टडी, तो अगर ये पता लगाना है कि किसने कितना पहले जहर खाया है या जहर दिया गया है, तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन। तो स्प्लेनकोलॉजी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यस डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, स्प्लेनकोलॉजी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मोहित कुमार, यस स्प्लेनकोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एन एंडोस्कोप, एंडोस्कोप क्या होता है आपको बताना है। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में आहार नाल जो होती है उसके अंदर देखने वाले यंत्र को बोलते हैं या उपकरण को बोलते हैं, या फिर ये प्रकाशीय यंत्र है जिससे मरीज की छाती पे लगा के हृदय की अनियमित जो गतियां होती हैं उनको नियमित करने के लिए, या फिर विकार को परीक्षण करने के लिए, जैसे कान के विकार को परीक्षण करने के लिए ईयर डिसऑर्डर हम जैसे बोलते हैं, या फिर ये इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन मसल्स जो होती है, मांसपेशियां जो होती हैं मानव की, वो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं उसके आधार पे है ये। हाँ जी, इसका आंसर एंडोस्कोप जो है वो क्या होता है आपको बताना है। एलिमेंट्री कैनाल के लिए, आहार नाल के लिए, हार्ट बीट इररेगुलर हो रही है उसके लिए, ईयर कान के जो डिसऑर्डर होते हैं उसके लिए, या फिर आपके ह्यूमन मसल्स के लिए। आदर्श कुमार, यस ए जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। एंडोस्कोप जो होती है उसे इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं वो देखे जाते हैं, और स्पेशली जो आपका ये एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल जो होती है, पैनक्रियास को जैसे देखना है, अग्नाशय को देखना है, लिवर को चेक करना है, स्टमक को अगर चेक करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत या बड़ी आंत को चेक करना है, तो उसके लिए जो है वो एंडोस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है। ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो, पोलियो जो एक बीमारी होती है आपकी, वो पहली वैक्सीनेशन जो प्रिपेयर की गई थी, तो आपको बताना है कि पहली वैक्सीनेशन जो पहला टीकाकरण जो इसके लिए बनाया गया था वो किसने बनाया था, गिबन, सॉक, एडवर्ड या सिम्पसन। गिबन ने बनाया था, सॉक ने बनाया था, एडवर्ड ने बनाया था, या सिम्पसन जो है, जेम्स सिम्पसन जो है उन्होंने बनाया था। द वैक्सीन इफेक्टिव अगेंस्ट पोलियो वो पहली बार किसने बनाया था। ओके, साक्षी शर्मा, यस सॉक जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। जॉनस सॉक जो है वो करेक्ट आंसर है आपका। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, जॉनस सॉक, पांडे शेखर, यस। अगला देखिए यहाँ पे, H5N1 होगा वहाँ पे, द H5N1 वायरस जो है, जो बर्ड फ्लू की, जिसने बर्ड फ्लू करा था, वो पहली बार कब डिस्कवर हुआ था आपको बताना है। पक्षियों में फैलने वाला H5N1 विषाणु जो है उसकी खोज कब हुई थी, 1991, 1995, 1997 या 2001। द H5N1 वायरस विच कॉजेज द बर्ड फ्लू वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, पक्षियों में फैलने वाले H5N1 विषाणु की खोज सर्वप्रथम जो है वो कब हुई थी आपको बताना है, 1991, 1995, 1997 या 2001। ओके, राइट, आई गेस यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आपको इसके लिए तुक्का ही मारना है। तो 1997 जो है, 1997 ईशानी, यस 1997 जो है वो करेक्ट आंसर है। H5N1 वायरस जो है वो आपका डिस्कवर हुआ था, ठीक है, 1997 बर्ड्स में हुआ था ये। उसके बाद ह्यूमंस जो उन बर्ड्स को कंज्यूम कर रहे थे, जैसे कि चिकन को जो है वो जो लोग कंज्यूम कर रहे थे उनमें भी फैल रहा था ये, तो 1997 जो है वो आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, MRI स्टैंड फॉर, MRI जो होती है उसका पूर्ण रूप आपको बताना है। मीटर्ड रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिएक्शन इमेजिंग, या फिर मीटर्ड रिएक्शन इमेजिंग, क्या होता है आपका MRI। तो MRI का आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि MRI जो है
मैग्नेटिक रेजोनेंस ये स्टडी किया जाता है बॉडी का इंटरनल जो पार्ट है उसको रीड करने के लिए. कि अभी कभी भी आपने ये सुना होगा कि अगर कोई मेडिकल सिचुएशन होती है तो डॉक्टर जो है, जैसे ब्रेन से रिलेटेड अगर दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ये आपका डॉक्टर एडवाइस करते हैं MRI कराने के लिए. तो ये मशीन होती है जिसमें पूरी बॉडी को लुक थ्रू किया जाता है यहाँ पे, राइट. तो एनाटॉमी देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको. तो MRI जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बी जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट. अगला देखिए यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट. द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, जो आपकी उपकरण आपको बताना है जिससे भूकंप की तीव्रता जो है वो नापी जाती है, वो क्या कहलाती है. इडियोग्राफ, पेंटाग्राफ, एरोग्राफ या सीमोग्राफ, क्या सेस्मोग्राफ क्या बोलते हैं इसको. ये आई गेस सबको पता होगा ये वाला आंसर. जो आपका अर्थक्वेक होता है, जो अर्थक्वेक होता है उसको नापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं. इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज एडियोग्राफ, पेंटाग्राफ, एरोग्राफ या सीमोग्राफ. ओके राइट, डी जो है सीस्मोग्राफ जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है. तो एटलीस्ट यहाँ पे कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं, प्रदीप कुमार, या सीस्मोग्राफ जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला बताइए. अच्छा ठीक है, जिन लोगों को सीस्मोग्राफ पता है वो आगे भी बताएंगे. बोलोमीटर जो है वो किस चीज़ को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बोलोमीटर इज यूज टू मेजर व्हाट, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर, वेलोसिटी या वेवलेंथ. आवृत्ति को, तापमान को, वेग को और तरंग धैर्य किसको नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपका, बोलोमीटर. यस, सीस्मोग्राफ होगा वहां पे, सीस्मोग्राफ. बोलोमीटर किसको नापने के लिए करा जाता है बताइए, फ्रीक्वेंसी को, टेम्परेचर को, वेलोसिटी को या वेवलेंथ को. वेलोसिटी जो है वो गलत आंसर है यहाँ पे. सीस्मोग्राफ तो सबको पता है ना, बहुत ही आसान है, बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है, पर बोलोमीटर बताइए किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. बोलोमीटर, वेवलेंथ, वेलोसिटी, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. बोलोमीटर इज यूज टू मेजर व्हाट, इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए इसको मेजर किया जाता है, राइट. और ये अगर इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए मेजर किया जाता है तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा. फ्रीक्वेंसी के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, हर्ट्ज में मेजर करने के लिए किया जाता है. वेवलेंथ नहीं, ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे. जो वोलोमीटर है वो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए किया जाता है, और वोलोमीटर की जो पूरी कैलकुलेशन है वो आपकी हर्ट्ज में की जाती है कि कितनी आवृत्ति की जो रेडिएशंस हैं वो यहाँ पे आ रही हैं. तो फ्रीक्वेंसी जो है वो करेक्ट आंसर है, ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है. ठीक है, अगला क्वेश्चन. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज, वह उपकरण आपको बताना है जिसका उपयोग पृथ्वी पर वस्तुओं की दूरी देखने के लिए किया जाता है. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज, वह उपकरण जिसका उपयोग पृथ्वी पर वस्तुओं की दूरी देखने के लिए किया जाता है. टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिसको बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या सिंपल माइक्रोस्कोप, सामान्य दूरदर्शी. किस चीज को इस्तेमाल किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है दूर की चीजों को देखने के लिए. अर्थ पे ही कोई चीज अगर दूर है उसको देखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं. ओके, टेरेस्ट्रियल, एस्ट्रोनॉमिकल नहीं, लिखा है यहाँ पे कि पृथ्वी पे ही रखी वस्तुओं को देखने के लिए अगर इस्तेमाल करना है
तो एस्ट्रोनॉमिकल तो खगोलीय हो गया ना, तो वो तो आपका बिल्कुल नहीं होएगा। टेरेस्ट्रियल जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। टेरेस्ट्रियल जो भी लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, आदित्य यस, टेरेस्ट्रियल जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट सी कितने लोग इसका करेक्ट आंसर देते हैं। समय मापी उपकरण जो है, उपकरण जो है वो क्या कहलाता है आपको बताना है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट, डायगोमीटर, एनीमोमीटर, ड्यूरोमीटर या क्रोनोमीटर। क्या बोलते हैं समय को नापने के लिए, समय को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं आपको बताना है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम, डायगोमीटर, एनीमोमीटर, ड्यूरोमीटर या क्रोनोमीटर। ओके राइट, जो लोग क्रोनोमीटर आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्रोनोमीटर जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्रोनोमीटर, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स हम बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स। यस राकेश, ठीक आंसर है आपका ये। अगला देखिए यहाँ पे, मीटर इन व्हीकल दैट कैलकुलेट, बहुत आसान है, मीटर इन व्हीकल दैट कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। देखिए डिस्टेंस पूछा है, वाहनों में आप सब लोग यहाँ पे मैक्सिमम लोग बाइक या टू व्हीलर्स तो यूज़ करते ही हैं, आप लोग स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो या कार चलाते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वाहनों में प्रयुक्त मीटर युक्ति जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को नापता है उसको क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, थर्मोमीटर या किलोमीटर। थर्मोमीटर तो बिल्कुल ही नहीं होएगा यहाँ पे, राइट। थर्मोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तापमान को नापने के लिए। अलग अलग तरीके के आपके थर्मामीटर होते हैं, उसको नापने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, थर्मोमीटर, किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब देखो एग्जैक्टली स्पीडोमीटर आंसर दे रहे हो आप। जब आप स्पीड में एक्सेलरेशन आप गाड़ी का बढ़ाते हो तो ये जो 50, 60, 70, 80 पे आपका ये जो वो पूरा मैग्नेटिक लाइन जो होती है वो मूव करती है, वो आपकी स्पीड बताती है। ठीक है, तो वो स्पीडोमीटर हो गया। यहाँ पे पूछा है कि कितना डिस्टेंस आपने कवर कर लिया। देखो मोस्टली लोग ए आंसर दे रहे हैं, यहीं पे आपके मार्क्स जो हैं वो जाते हैं। बाहर निकल के आपको बोलो कि भाई बहुत अच्छा पेपर हुआ है, स्पीडोमीटर जो है वो मार्क के आए हैं और बहुत अच्छा पेपर हुआ है। स्पीडोमीटर स्पीड के लिए होता है और डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है आपने उसके लिए ओडोमीटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ओडोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, ओडोमीटर करेक्ट आंसर है यहाँ पे आदित्य, यस ओडोमीटर जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिए, अगले कुछ क्वेश्चन आपके इन्वेंशन के ऊपर है। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत कॉमन नहीं है, मतलब मैं आपको नहीं पूछी कि टेलीफोन किसने इन्वेंट किया, आप फटाफट बता दोगे, बल्ब किसने इन्वेंट किया। ऐसे इन्वेंशन आपको एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में आ रहे हैं। ऑफकोर्स रेलवे के एग्जाम में टेलीफोन का आविष्कार लगातार दोनों शिफ्ट में पूछा गया है। ग्राम वेल, राइट, टेलीफोन पे आपको पता होगा कि हम हेलो बोलते हैं वो क्या होता है आपका। जब हम टेलीफोन पे हेलो बोलते हैं तो वो जो ग्राम वेल है उसकी वाइफ का नाम था हेलो, तो उसने जब ये टेलीफोन डिस्कवर किया था तो उठा के सबसे पहले उसने अपनी वाइफ का ही नाम बोला था, तो वही आज हम यूज़ करते हैं अभी तक हेलो जो हम बोलते हैं। तो ऐसे जो है वो रेलवे के कुछ पेपर्स में आपके ये क्वेश्चन आ रहे हैं जो अभी रेलवे के पेपर चल रहे हैं। हम इससे कुछ हटके करेंगे जो आपकी यूपीएससी पूछती है, जो सीडीएस और सीएपीएफ में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्वेश्चन आपके करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेंशन को लेके पहला क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड नियॉन लैम्प। यस, ग्राम वेल, थॉमस एडिसन, ये सबको पता है, थॉमस एल्वा एडिसन। तो कुछ क्वेश्चन जो आपके बेसिकली आपके ये जो यूपीएससी के लिए आप सीडीएस हुआ, सीएपीएफ हुआ, एफकेट हुआ, कुछ इस लेवल के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका इन्वेंशन से रिलेटेड, हु इन्वेंटेड नियॉन लैम्प आपको बताना है। यूपीएससी का क्वेश्चन है आपका, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, हु इन्वेंटेड नियॉन लैम्प।
विंट सर्फ, डेविड चॉम, जॉर्ज क्लॉड या जोसेफिन कॉकरेन? यहाँ बड़ा पता है बच्चों को है कि वाइफ नहीं थी, गर्लफ्रेंड थी, क्या है ये इस चीज की जानकारी होगी, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आ रहे होंगे उनकी जानकारी नहीं होगी. ओके राइट, ठीक है. नियॉन लैम्प जो है उसके लिए करेक्ट आंसर आ रहे हैं, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड है थोड़ा सा. अगर आप लोग इसके करेक्ट आंसर दे रहे हो तो ठीक है. ये देखिए यहाँ पे ये जॉर्ज क्लॉड जो लोग आंसर दे रहे हैं, काफ़ी आंसर दे रहे हैं यहाँ पे, तो जॉर्ज क्लॉड जो है वो आपका करेक्ट आंसर है. जॉर्ज क्लॉड जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है. रनवी, ओके राइट, जॉर्ज क्लॉड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड वाटर टर्बाइन? जो वाटर टर्बाइन होता है उसका आविष्कार जो है वो किसने किया था? एनरिको फर्मी, एडोल्फ गेस्टन, यूजीन फिक, सैनफोर्ड फ्लेमिंग या फिर बेनोइट फॉर्नियरन? ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको ना डायमेंशंस इनकी कवर करनी होती है, मतलब आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको दिखाई दे रही होती है, कई बार आप पढ़ते हो लेकिन चीज़ें जो है ना वो आप रिवाइज नहीं करते हो, इसलिए ये दिक्कत आती है. तो ये उन्हीं कुछ क्वेश्चन में से हैं जो आपको एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं लेकिन आप आंसर नहीं कर पाते हो. वाटर टर्बाइन के लिए आपको बताना है कि वाटर टर्बाइन जो है वो उसका आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है. ओके राइट, डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है. डी जो है वो बेनोइट फॉर्नियरन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है. नो, फर्मी के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, तो फर्मी जो है वो एटलीस्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं होएगा, पर फर्मी इसका आंसर नहीं है. यहाँ पे बेनोइट फॉर्नियर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है. ओके राइट, अगला देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रैम वॉज इन्वेंटेड बाय. देखिए सारे क्वेश्चन जो आप इन्वेंशन के अभी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके किसी ना किसी एग्जाम में इम्पॉर्टेंट में, या तो यूपीएससी या एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आए हुए हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है. आपको नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे हटके पूछा जाएगा. इलेक्ट्रिक ट्रैम बताइए आप, इलेक्ट्रिक ट्रैम वॉज इन्वेंटेड बाय. इलेक्ट्रिक ट्रैम जो थी वो किसने इन्वेंट की थी बताइए? फाइडर पिरोट्सकी, आर्थर पिथे, फ्रिट्स फ्यूमर या फिर स्टीफन बेरी? अच्छा, ये लास्ट वाला ऑप्शन हेनोइका सेस जो है वो आपका गलत लग गया है, बस आंसर नहीं है आपका. डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर नहीं है. बताइए यहाँ पे फाइडर पिरोट्सकी, आर्थर पिथे और फिट्स फ्यूमर में से आपको बताना है. यस, न्यूक्लियर रिएक्टर फर्मी. इलेक्ट्रिक ट्रैम के लिए बताना है आपको, इलेक्ट्रिक ट्रैम. ओके, और फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है यहाँ पे. फाइडर पिरोट्सकी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, फाइडर पिरोट्सकी, ठीक है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चेयर वॉज इन्वेंटेड बाय. अरुण कुमार प्रजापति, यस, ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक चेयर वॉज इन्वेंटेड बाय. इलेक्ट्रिक चेयर वॉज इन्वेंटेड बाय एल्फ्रेड पी सॉथविच, इसैक सिंगर, मुरैस्की सिक्यू या हेनोइका शेस? इलेक्ट्रिक चेयर जो थी, विद्युत चेयर जो है उसका आविष्कार किसने किया, आपको बताना है. ओके राइट, एल्फ्रेड पी सॉथविच जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. इलेक्ट्रिक चेयर वॉज इन्वेंटेड बाय एल्फ्रेड पी सॉथविच, राइट, ए जो है वो यस करेक्ट आंसर है. अगला देखिए यहाँ पे, हु इन्वेंटेड रॉकेट? रॉकेट आपको बताना है किसने इन्वेंट किया था, रिच गोयल, ई एम फॉर्स्टर, रॉबर्ट गुडार या फिर जेम्स एंडरसन? इन्वेंटेड रॉकेट, हु इन्वेंटेड रॉकेट आपको बताना है. रॉकेट का आविष्कार जो है वो किसने किया था, आपको बताना है. रिच के गोयले, ई एम फॉर्स्टर, रॉबर्ट गुडार या फिर जेम्स एंडरसन? सारे तुक्के चल रहे हैं ना, ये बहुत लोगों को इनके आंसर्स नहीं पता है. ए, ऊपर के दो क्वेश्चंस के आंसर ए हैं, तो इसका भी फटाफट जो है वो ए करके आप लगा दो हैं. ओके, जेम्स एंडरसन जो है वो डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है. डी,
डी जो है वो करेक्ट आंसर है, जेम्स एंडरसन जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, अगला देखिए यहाँ पे, हु इन्वेंटेड द न्यूक्लियर रिएक्टर, ये कुछ उन क्वेश्चन में से है जो आपको कभी भी पेपर में आ सकते हैं और एसएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं आपको ये क्वेश्चन। जेम्स एंडरसन जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, हु इन्वेंटेड द न्यूक्लियर रिएक्टर, हु इन्वेंटेड द न्यूक्लियर रिएक्टर, एनरिको फर्मी, एडोल्फ गैस्टन, यूजिन फेक, स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग या फिर वेनोइट फॉर्नियर। Who invented the nuclear reactor? इन सवाल के आंसर आपको लर्न करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बेसिक चीजें जो हैं वो आपको बहुत छोटे लेवल पे पूछी जाती हैं, लेकिन अगर आपको यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ इनमें से कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो तो आपको इस टाइप के जो इन्वेंशन है ना वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। देखो ये वाला आंसर सबको पता है ना, फर्मी जो है वो सबको पता है, रीजन क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर का इन्वेंशन जो है वो सबको पता है, क्यों, क्योंकि आपकी ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स में बहुत बार ये पूछा गया है, आपने इसी इस क्वेश्चन को ही 10 या 12 बार आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, इसलिए ये आपको याद हो चुका है। तो बेसिक में ये आपको बोलना चाह रही हूँ कि ऊपर के भी जो इन्वेंशन है वो इम्पॉर्टेंट है, आप 8 या 10 बार भी इन चीज़ों को रिवाइज कर लोगे, या जैसे कि एक तरीका होता है आप सारी इन्वेंशन को जहाँ पे भी आप पढ़ते हो कुछ भी करते हो वहाँ पे इसको सामने लगा लो, राइट, मतलब कि आप पढ़ते हो, लिख रहे हो या सोते हो उस टाइम पे, तो एटलीस्ट उस टाइम पे आप वो पर्चा जो है ना वो आप सामने कहीं पे चिपका लो जहाँ पे आप उसको ना 10 या 12 बार ना उसको देख लो रिपीटेडली, राइट, 15-20 दिन तक लगातार आप उसको एक बार देखोगे ना तो भी आपको चीज़ें जो है वो याद हो जाएंगी। तो इस हिसाब से जो चीज़ आपको रिटेन करती है माइंड में उसके आप आंसर फटाफट दे देते हो, लेकिन जो चीज़ भूला हुआ है, पढ़ा नहीं है, तो उसका मुश्किल होता है ना। तो एक ही तरीका है एग्जाम को क्वालिफाई करने का, रिवाइज मोर एंड मोर, बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करिए। आप एक बुक उठाइए उसको 10 बार पढ़िए, 10 बुक मत पढ़िए, 10 बुक मत उठाइए कि उसको एक बार भी ना पढ़ पाओ आप किसी किताब को। एक लाइन है आपने सुना है ना, इट्स बेटर टू रीड अ बुक 10 टाइम्स रादर देन टू हैव 10 बुक्स एंड डोंट रीड अ बुक एटलीस्ट, एक बार भी नहीं पढ़ना, तो उस कॉन्सेप्ट पे आप जाइए, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर फर्मी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हु इन्वेंटेड द लाइटिंग रॉड इन 1749। तो इन्वेंशन से रिलेटेड जो है वो आपको एक पीडीएफ आ रही है, आज आपको शाम तक वो पीडीएफ जो है वो अपलोड हो जाएगी, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जो इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरी हैं, वो उसमें लिखी हुई हैं। तो आप लोग उसको एक बार बहुत अच्छे से गो थ्रू करिए, उससे रिलेटेड एग्जाम्स जो हैं वो रेलवे के भी आ रहे हैं और एग्जाम्स में भी आपको ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हु इन्वेंटेड द लाइटिंग रॉड इन 1749 आपको बताना है, 1749 में किसने लाइटिंग रॉड जो थी उसका आपका आविष्कार किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, निकोला टेस्ला, एली वाइटनी या जॉर्ज वॉशिंगटन। लाइटिंग रॉड जो है उसका आविष्कार किसने किया था बताना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, यस हिमांशु, यस अजीत कुमार, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वो सही आंसर दे रहे हैं। तो देखिए ये आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर कभी ना कभी पढ़े होंगे और ये लास्ट प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन में से उठाया हुआ है ये सारा, तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, हु इन्वेंटेड द वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप जो थी, निर्वात पंप जिसको बोला जाता है, उसका आविष्कार जो है वो किसने किया था आपको बताना है, ऑटो वॉन ग्यूरिक, कैलियोन, मेलिटा वेंट्स या विलियम हेनरी फॉक्स टेलबॉट। इन्वेंटेड वैक्यूम पंप जो है उसका आविष्कार जो है वो किसने किया था बताइए, ऑटो वॉन ग्यूरिक, कैलियोन, मेलिटा वेंट्स या विलियम हेनरी फॉक्स टेलबॉट।
ओके राइट, ऑटोवॉन जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है. ऑटोवॉन जो है वो करेक्ट आंसर है. ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है. एग्जाम के ही क्वेश्चन है ये सारे, ये सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं. ये वही क्वेश्चन है एंड स्पेशली यूपीएससी और एसएससी का लेवल देख के किया है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम का वही लेवल रहता है. नेक्स्ट देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है. सारे लोग, मुझे लगता है जितने लोग देख रहे हैं वो सारे लोग जो है वो इसका आंसर दे लेंगे. फटाफट से आंसर देना है. हु इन्वेंटेड डायनामाइट? डायनामाइट जो है उसका आविष्कार किसने किया था बताइए. जेपी डनलॉप, एल्फ्रेड नोबल, जेम्स सिम्पसन या पीटर हार्ग्रीव्स? बताने की ऑप्शन जरूरत नहीं है शायद. यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा वहां पे. डायनामाइट जो है ना उसका इन्वेंशन किसने किया था, इसको आप सीधा आंसर दे दो फटाफट. डायनामाइट का इन्वेंशन जो है वो किसने किया था? ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखेंगे, सिर्फ मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ. तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसा भी होना चाहिए ना जहाँ पे ऑप्शन ना हो, आपकी मेमोरी टेस्ट हो जाएगी. एम पी गोस्वामी, एल्फ्रेड नोबल. डायनामाइट का जो आविष्कार था वो किसने किया था बताइए. सोनम, यस एल्फ्रेड नोबल. ऑप्शन तो है ही नहीं तो आप ए भी क्या बोल रहे हो. इसका तो सीधा क्वेश्चन पूछा है, आप आंसर दीजिए बस. यस, डायनामाइट का जो आविष्कार है वो आपका नोबल, एल्फ्रेड नोबल जो है उन्होंने किया था. और इन्होंने ही नोबल जो है वो पीस प्राइज जो थे वो भी आविष्कार किया था. स्टोरी मैं बता चुकी हूँ इस चीज से रिलेटेड. तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बाय सर हेम्प्री डेवी? हेम्प्री डेवी ने किस चीज का आविष्कार किया था आपको बताना है. सेफ्टी पिन, स्टीम इंजन, सेफ्टी लैम्प या एक्सरे? यस, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे. एल्फ्रेड नोबल ही आंसर आ रहा है आपका और बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ठीक है, एल्फ्रेड नोबल. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बाय सर हेम्प्री डेवी? जो आप ये पूछ रहे हो, आपका ये जो पीडीएफ है वो वाईफाई स्टडी का ऐप रहता है. उस ऐप को आप पहले डाउनलोड करो अपने फ़ोन के अंदर, और उस फ़ोन के अंदर आपको एक दिखेगी ब्लू कलर की अच्छी सी ऐप वाईफाई स्टडी के नाम से. तो वहाँ पे अंदर जब आप उसको ओपन करोगे तो उसके अंदर पीडीएफ होंगे वहाँ पे साइंस से रिलेटेड. तो वहीं पे इन्वेंशन और डिस्कवरी के नाम से एक पीडीएफ है, जस्ट गो थ्रू इट. उसमें 200 से ज़्यादा इन्वेंशन आपकी इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं, जो कम से कम उतनी तो आपको आनी ही चाहिए, वो आप वहाँ पे जाके रिवाइज करिए. सर हेम्प्री डेवरी के द्वारा किस चीज़ का आविष्कार हुआ था आपको बताना है. स्टीम इंजन, यस. स्टीम इंजन जो है रोहित कुमार, यस. स्टीम इंजन जो है वो आपका डिस्क्राइब किया था हेम्प्री डेवी ने आपका. राइट, अगला यहाँ पे. ओके, लास्ट टू क्वेश्चंस हैं. जिनका सर दर्द करने लग गया है वो लास्ट टू क्वेश्चंस के और आंसर बता दो. अगर राइट, हु डिस्कवर फोटोन? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन. मतलब अगर हम इन्वेंशन या डिस्कवरी पढ़ रहे हैं और इनका नाम नहीं लें तो शायद ही इनकम्प्लीट हो जाता है. हु डिस्कवर्ड फोटोन? जॉर्ज क्रम, एल्बर्ट आइंस्टीन, हेनरी केवेंडिश या फिर हम्प्रे डेवी? सेफ्टी इंजन होगा हम्प्री डेवी का भाई, लैंप नहीं होगा. Who discovered photon? आपको बताना है जल्दी से. Who discovered photon? जॉर्ज क्रम, एल्बर्ट आइंस्टीन, हेनरी केवेंडिश या हम्प्रे डेवी? केवेंडिश ने हाइड्रोजन जो है उसको डिस्कवर किया था, हाइड्रोजन. हम्प्री डेवी का आप ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हो. फोटोन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट, राइट. रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन, रेलवे के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि फोटोन जो है वो किसने आपका डिस्कवर, किसने डिस्कवर किया था. तो एल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन इज द करेक्ट आंसर. अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आज की क्लास का. हु इन्वेंटेड रडार? रडार जो है वो किसने इन्वेंट किया था? फरीड मॉरिसन, ए एच टेलर, लियो सियंग, सी वेंट टेसल या फिर डब्ल्यू के रॉइंटजन?
हु इन्वेंटेड रडार के लिए आपको बताना है ये एच टेलर लियो सी यंग. ओके राइट. सेफ्टी सेफ्टी लैम्प, सेफ्टी लैम्प का जो आंसर है आपका वो हम्प्री डेवरी डेवी जो है वो सेफ्टी लैम्प के लिए जाएगा. स्टीम इंजन आपका, स्टीम इंजन किसने डिस्कवर किया था? ओके राइट, थॉमस सेवरी. थॉमस सेवरी स्टीम इंजन जो है वो आपका थॉमस सेवरी के लिए जाता है और हम्प्री डेवी जो है वो आपका सेफ्टी लैम्प जो है वो करेक्ट आंसर है. ओके ओके राइट. हु इन्वेंटेड रडार? रडार की स्पेलिंग यस आर ए डी ए आर होगा रडार की स्पेलिंग. फ्रेड मॉरिसन, टेलर एंड यंग, वॉन टेसल एंड रॉइंगटन. ओके बी जो है पंकज शर्मा. यस बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है. बी करेक्ट आंसर है. टेलर एंड यंग जो है वो करेक्ट आंसर है. द इन्वेंशन ऑफ रडार गोज फॉर द टेलर एंड यंग. ओके तो ये आगे की कुछ इन्वेंशन और इसी से रिलेटेड ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे. पहले आज का आप थोड़ा सा यहाँ पे 6:30 पे जो एनालिसिस आने वाला, एनालिसिस नहीं हम बोल सकते हैं, जो आपकी सीडीएस की नोटिफिकेशन आई है उससे रिलेटेड आपका ये सीडीएस का पूरा डिटेल हम डिस्कस करेंगे. और कल की क्लास जो है वो उसी नोटिफिकेशन के आधार पर होगी कि आगे जो है वो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी जीएस की, इंग्लिश की और मैथ्स जो भी आपके तीनों क्लासेस चल रहे हैं. तो फॉर दैट हम लोग 6:30 पे सेशन करते हैं. बाकी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो है वो कल हम स्टार्ट करेंगे. तो बहुत अच्छे से आप लोग ने आंसर दिया है, मैक्सिमम करेक्ट है. राइट, स्टीम इंजन वाला आई गेस क्लियर हो गया होगा. स्टीव सेफ्टी लैम्प जो है वो हम्प्री डेवी जो है उसका करेक्ट आंसर होगा. राइट, कल करते हैं इसको कंटिन्यू. लाइक करो आप इसको, सब्सक्राइब करो आप चैनल को, इस वीडियो को लाइक करो. राइट, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखो. एंड यस, स्टडी हार्ड. थैंक यू सो मच. कल करते हैं ये सारा स्टार्टिंग से. ठीक है, ओके डन. थैंक यू सो मच. बाय.